गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं भरता। भरता, बैंगन का भरता। चलो, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है भाई। और ये सुबह देख लो, अभी धूप निकली ही है। ये हमारे प्लांट्स, ये मनी प्लांट है मेरी, नीचे एलोवेरा, तुलसी, वो वाली भी तुलसी है। पानी डाल देने के लिए इनमें। चलो अब दादी से मिलवा के आती हूँ मैं आप लोगों को। दादी क्या कर रही है? यहाँ दादी खाना बना रही है। हेलो कर दे दादी सबको। हेलो कर देना सब। मेरे तो इसे आग रहे फोटो नहीं खींच रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। कह दे नमन राम राम जी सभी को। सभी को राम राम जी। हाँ, कैसे हो आप सभी? ऐसे बोल कैसे? दादी निकल गई भाई। क्या कर रही है दादी? वीडियो बना रही हूँ ना मैं अपनी। हाँ दादी दुकान पे जाने की तैयारी कर रही है, दादा के पास रोटी लेके। ये तो दादी व्लॉग होता है ना, गीत गात गाने वाली तो अलग होती है। यहाँ आप लोग मेरी दादी से मिल लीजिए, ये मेरी दादी है। और क्या, तुलसी, ये किस चीज का है? ये मे बी अनार का है, ये है ना दादी? अनार है ना। ये पपीते का है, ये है क्रिसमस ट्री। आम का है ये दादी? आम का कहाँ है? अच्छा यहाँ देख लीजिए, वहाँ तो दादी जम्मू में नीम भी नहीं है, पूरी जम्मू में नीम ही नहीं है दादी। ये कितने कितने पेड़ उसे उनके ना, हाँ होती भी नहीं होती उधर है। तोड़ के गिर दिया। दादी मेरी चप्पलों को देख रही है। इतनी फैंसी चप्पल है ये दादी मेरी। अच्छा कितनी थी इतनी? हेलो तो कर दे मेरे व्यूवर्स को दादी। हेलो हेलो। ए मेरी दादी है भाई, देख लो आप सभी, मिल लो दादी से। दादी और क्या बोलना चाहेगी? और क्या ऐसे ऐसे बोलना, हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दो। मन करना हो है, मैं कह रहा हूं कि मैं कह दूं करना हो, हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर कर दो। हाँ, और हमारे उसको सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। नहीं कहना है ऐसा कोई नहीं करता दादी। दे मैंने अपनी सास को भी सिखा दिया। और क्या, तेरी सास तो बोल रही फैंसी है। मेरी सास फैंसी है, तू फैंसी नहीं है। मेरी दादी फैंसी नहीं है भाई। अभी दादा आएंगे दुकान से, तब दादा को मिलाएंगे। बाय बाय दादी। अभी दादी काम में लगी हुई है, दुकान पे जाना है दादी। हाँ हैं, तो दादी अभी दुकान पे जाने की तैयारी कर रही है। बीच में दादी ने मेरे को बुला लिया, इसलिए वीडियो पॉज कर दी थी। अब आपसी बंद हो जाते हैं। बन गया मम्मा भरता, बन गया। क्या मम्मी लगी हुई है काम में। ए नेहा भी उठ गई है, शक्ल तो दिखा दे अपनी। निखिल लगा हुआ है हल्दी निकालने में, निकू। मेरी मम्मी का हाथ का खाना खाना एक दिन आप सब। नवी उठा हुआ है, सो रहा है नवी। ये आज मम्मी ने फिंगर चिप्स बनाए हैं घर पर, और यहाँ मम्मी खा रही हैं। खाओ ना मम्मी, जिस स्पीड से खा रहे थे अभी खाओ ना स्पीड से। मेरे व्यूवर्स को तो खिला दो, झूठा थोड़ी ना खाएंगे वो। हाँ सभी को राम राम वगैरह तो कर दो। राम राम बहनों भाइयों।
कैसे हो? आ जाओ आप सब भी फिंगर चिप्स खा लीजिए। नवी इधर सो रहा है। गुल्लू आज ये सुबह सुबह क्यों बनाए मम्मी आपने? बस मन था नाश्ता करने का। फिंगर चिप्स के तो बहुत ऑयली होता है ना। हमारे ऑयल नहीं होता। ये यहाँ पे भी लगी हुई है खाने में। नहीं होता क्योंकि हम ना चावल का तेल यूज करते हैं। अच्छा चावल का तेल यूज करते हो, ठीक है। मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अपने आप ही खाए जा रहे हैं। इसको देख लो, उनको देख लो। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और यहाँ इसका मामा सो खिला रहा है, यहाँ टीम चल रहा है। और आज मेरे को ना धूप का ही वेट था क्योंकि मुझे नवी की गुदड़ी बाहर धूप में डालनी है। तो यहाँ देखो अभी कपड़े सुखाए हैं धो के। जंगा तो है ही नहीं कहीं रस्सियों पे, इधर है जंगा, कहाँ डालूँ? फिर ये पेड़ भी अड़ रहा है। अरे देखो मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया था ना, और ये फूल भी निकला है अनार का, कितना सुंदर लगता है ना। दादी माँ सुबह ही मिली थी, मैं दादी से अब पता नहीं कहाँ गई। मोटर माटर चला के पानी आया हुआ है, गली में है शायद, गली में है। ये इधर दादी और दादी की सहेली बैठी हुई है, बातें करने में लगे हुए। छुपके से बना ली मैंने वीडियो, देखती हूँ अभी गुदड़ी लेके आती हूँ उसकी। ये देखो गाइस, ये दिखाना भूल गई थी मैं आप लोगों को सुबह, ये पत्थर चट्टा है। ये पत्थरी में काम आता है, मतलब अपने हरियाणा के हैं ना, बहुत रेयर है, उनको भी पता नहीं होता आजकल तो। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तो यहाँ मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी आंध्र प्रदेश की, तो उनके हस्बैंड को ना पथरी है, तो उनके लिए हम पौधा लेके गए थे। तो यहाँ देखो दीदी आप देख लो कितना बड़ा हो रखा है हमारा। इसके पत्ते खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो डेली खा लेती हूँ एक दो पत्ता। इनकी भी अपडेट दे दी थी। चलो अब नवी की गुदड़ी लेके आते हैं। मम्मा बर्गर लाई है गाइस, यहाँ आए हैं बर्गर। बर्गर ही है ना, स्प्रिंग रोल्स, हाँ बर्गर। तो यहाँ के ना बहुत टेस्टी बर्गर होते हैं जहाँ से मम्मी लेके आती हैं। ठीक है, लाल चटनी। इसको तो मेरा खाने का मन करता है पर नहीं खा सकती। लाइए बर्गर। ये बर्गर हम लाए हैं पिज़्ज़ा बाइट से। पिज़्ज़ा बाइट से देने मम्मा पिज़्ज़ा बाइट से बर्गर कैसे हैं मम्मी? ये बताना कहाँ है पिज़्ज़ा बाइट, आपको पता भी है? ये है मित्र। और यहाँ सो रहा है नवी, और यहाँ इसका सामान देखो कैसे बिखरा पड़ा है पूरा, इसको भी कल समेटेंगे। और अभी भी आज बहुत ठंड है, सच बताऊँ तो मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। नेहा ये ऊपर की लड़ियाँ ऑन कर दे, लड़ियाँ ऑन कर दो ना, कितनी अच्छी लगेंगी लड़ियाँ ऑन होके। ठंड ठंड हो गई है ना मम्मा, ये आपने इसीलिए लगाया है क्या इधर ये, ताकि इसको ठंड ना लगे? गर्मी में ख़राब होता है। तो आप लड़ियाँ जल चुकी हैं, ये अब तक हमने उतारी नहीं है दिवाली की। भाई अभी बाहर गया हुआ है खेलने वगैरह के लिए। यहाँ नवी का ये सूख रहा है, ये सारा मुँह में भर दिया उसने। हो रही है हमारी स्कूटी, और अभी हम चलते हैं अंदर। बर्गर खाने बुलावा आ गया, देख लो कितनी सुंदर लग रही है ना। सच में इनकी भी अलग ही रौनक होती है घर में। बस अभी अंदर चलते हैं। अभी माँ अपना ऑफिस से आई हैं, और माँ मेरे लिए सबसे स्पेशल रोटी बना रही है। कौन सी रोटी बन रही है मम्मी? है मक्के की रोटी और सब्जी, हरा साग। वाह आज तो मज़ा आएगा। और ये देसी घी, और यहाँ देखिए मम्मी ने एक सेक भी दी है, और यहाँ एक और तैयार हो रही है। मम्मी बेल के दिखाओ ना उसको, पराठे दलोगे उसके? ठीक है, अब यहाँ बेलो मम्मा इसको। यहाँ मक्के की रोटी बिलते हुए, तो हम ऐसे बनाते हैं अभी। मम्मी ना तो बिल्कुल आटा लगाती है, ना ही घी लगाती है ना मम्मी, ऐसी लोई बना के बस ऐसे। हाँ, पन्नी के ऊपर करते हैं। यहाँ देख लो आप लोग भी।